वेलकम बैक गाइस। अब यार पोकेमॉन गेम्स हो या पोकेमॉन एनिमे, दोनों जगह पे शाइनी पोकेमॉन को एक बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, बहुत ज़्यादा रेयर कंसिडर किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पोकेमॉन एनिमे के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिनके पास यार एक्चुअली में शाइनी पोकेमॉन्स है, ऐसे ट्रेनर जिन्होंने शाइनी पोकेमॉन्स को कैच किया है। तो हाँ, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बने रहना। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पे आता है यहाँ पे जैक्सन। ये जोटो रीजन का एक ट्रेनर है जिससे ऐश की बैटल जोटो लीग के टाइम पे हुई थी। जोटो लीग के अंदर ही अपना शाइनी मैग्नेटॉन लेके आया था। तुम यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता मैग्नेटॉन के शाइनी वर्जन में, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है कलर में। यहाँ पे इसका जो शाइनी मैग्नेटॉन था बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, इसने ऐश के पिकाचू को भी हरा दिया था लीग के अंदर। तुम सोच सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल था, तो ऐश को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी इसको हराने के लिए। तो हाँ, ये भी एक ऐसा ट्रेनर है जिसके पास शाइनी पोकेमॉन एनिमे के अंदर दिखाया गया है। नंबर टू, अमेलिया। ये कालोस सीजन की एक ट्रेनर है जिसको हमको सरीना के कॉन्टेस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके पास था एक शाइनी ड्रैगनेयर जो कि यार बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। तुम देख सकते हो इसका शाइनी वगैरह का कलर कितना ज़्यादा बढ़िया लगता है। शायद यही वजह थी कि इसको कॉन्टेस्ट में भी यूज़ करती थी। और यार ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेस्ट टीम थी इनकी, लेकिन हाँ आखिरी में सरीना से हार जाते हैं। नंबर थ्री पे आता है लैंस। ये कैंटो और जोटो का चैंपियन है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर है। इसके पास है शाइनी गैराडोस। इसका शाइनी गैराडोस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और ये अपनी पावर की वजह से जाना जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक है। जब लैंस ने इसको पकड़ा था तब ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन हाँ टाइम के साथ पकड़ने के बाद यार वो एकदम सही हो चुका है। और लैंस के साथ ये बहुत सही से बैटल करता है, जैसे हमने देखा था लियोन के सामने इसने कितनी अच्छी बैटल दी थी, भले ही हार गया था, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा पावरफुल शाइनी पोकेमॉन है। नंबर फोर, विनोना। ये होएन रीजन की एक जिम लीडर है और इसके पास है एक शाइनी स्वेलो जो कि यार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। इसने ऐश को बैटल में यार सही में बहुत खतरनाक टक्कर दी थी। अब तुम कलर पे देखोगे ना, बहुत डिफरेंस नहीं लगता इसके शाइनी फॉर्म में, नॉर्मल सा ही लगता है, बस थोड़ा सा ही कलर अलग है। तो हाँ, पावर की बात करी जाए तो है बहुत ज़्यादा खतरनाक, और इसकी ऐश के स्वेलो के साथ भी बैटल हुई थी और यार दोनों की इतनी तगड़ी बैटल थी, लेकिन आखिरी में ये हार गया था शाइनी वाला। नंबर फाइव पे आती है क्लेयर। ये जोटो रीजन की एक जिम लीडर है और यार ये ड्रैगन टाइप की एट्थ जिम लीडर है। सोच सकते हो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। इसके पास भी एक शाइनी पोकेमॉन है और वो भी ड्रैगन टाइप का। मैं बात कर रहा हूँ ड्रेडिगन के बारे में। इसको क्लेयर ने यूनोवा रीजन के अंदर पकड़ा था जब यह बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तो क्लेयर ने इसकी हेल्प करी थी, इसी वजह से ये क्लेयर के साथ में आ गया था। तो हाँ, क्लेयर के पास भी एक ड्रेडिगन है शाइनी वाला, और इसका जो कलर है वो तुम देख सकते हो बहुत सही लग रहा है। एक्चुअली शाइनी में बहुत सही कलर किया गया है। नंबर सिक्स पे आता है ऐश का शाइनी नॉकटाउल। पूरे पोकेमॉन एनिमे का जो सबसे पहला शाइनी पोकेमॉन था वो और किसी का नहीं, वो ऐश का ही पोकेमॉन है। मैं बात कर रहा हूँ नॉकटाउल के बारे में। यार मतलब सब लोग इतनी मेहनत करते हैं शाइनी पोकेमॉन के लिए, ऐश को कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा ही ईजिली मिल गया था। उसको पकड़ने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, उसने काफ़ी ईजिली इसको पकड़ लिया था। फिर बाद में जोटो वगैरह के अंदर इतनी सही परफॉर्मेंस दी, भाई कहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा बढ़िया है ऐश का नॉकटाउल। और हाँ यार, ये उन कुछ शाइनी पोकेमॉन में से एक हैं जो कि अपने नॉर्मल वाले वर्जन से ज़्यादा बढ़िया शाइनी में दिखते हैं। नंबर सेवन, ऑस्टिन का शाइनी डस्टॉक्स। ये सिनोरिजन का एक एपिसोड था जहाँ पे हमको दिखाया गया था कि जेसी के डस्टॉक्स में और एक ऑस्टिन नाम के लड़के के डस्टॉक्स के बीच में प्यार हो जाता है, और ऑस्टिन का जो डस्टॉक्स था वो एक शाइनी डस्टॉक्स है, जैसे कि तुम देख सकते हो इस इमेज के अंदर। कलर वाइज देखे तो यहाँ पे नॉर्मल वाला ही ज़्यादा बेटर लग रहा है ओवरऑल देखा जाए तो। तो हाँ, इसके बाद यार ये दोनों अपने अपने पोकेमॉन को छोड़ देते हैं साथ में रहने के लिए, बिल्कुल बटरफ्री की तरह ये भी आपस में साथ में रहने लग जाते हैं और दोनों को ही अपने अपने पोकेमॉन रिलीज करने पड़ते हैं। नंबर एट पे आता है स्टीवन का शाइनी मेटाग्रॉस। यार डेफिनेटली शाइनी मेटाग्रॉस डिज़ाइन वाइज कलर वाइज सबसे ज़्यादा बेस्ट शाइनी में से एक रहेगा मेरे लिए तो। इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। स्टीवन का मेटाग्रॉस हम सब जानते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसने अलान के चाइराट को हराया था इतने ईजिली, खतरनाक ही था यार ये। और ये बिल्कुल अनडिफीटेड रहा था पोकेमॉन मास्टर्स तक, जब ऐश ने इसको हराया वो पहली बार था जब ये हारा था, वरना ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि कभी इसको कोई हरा ही नहीं पाता था। तो हाँ, देखा जाए तो इसका जो शाइनी मेटाग्रॉस है यार वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, डिज़ाइन पावर दोनों चीज़ में, और कलर तो देखो यार क्या मस्त है। नंबर नाइन पे आता है काल। ये कालो सीजन का एक ट्रेनर है और इसके पास था एक शाइनी हाउलूचा। ये एपिसोड सब लोग को याद ही होगा, यहाँ पे ऐश के जो हाउलूचा है और ये जो काल का हाउलूचा है, इन दोनों के बीच में हमको दुश्मनी भी दिखाई गई थी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें शाइनी हाउलूचा का कलरिंग तो यार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मतलब भाई बहुत खतरनाक लग रही है। तो इसमें तो मैं बिल्कुल चुन ही नहीं सकता यार, कलर वाइज दोनों बहुत ज़्यादा बढ़िया है, शाइनी और नॉर्मल दोनों ही। तो हाँ, काल भी ऐसा ट्रेनर जिसके पास एक शाइनी पोकेमॉन है।
नंबर 10 अलवा, ये एक पोकेमॉन ट्रेनर है जिसको हमने पोकेमॉन की मूवी वोल्केनियन एंड द मैकेनिकल मार्वल के अंदर देखा था, और इसके पास है यार शाइनी गेंगार। तुम यहाँ पे देख सकते हो शाइनी गेंगार यार कितना ज्यादा सही लग रहा है। कलर का इसमें भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है नॉर्मल वाले से देखा जाए तो, मतलब थोड़ा बहुत ही ऐसा बदला गया है, लेकिन हाँ ये लग बहुत ज्यादा सही रहा है। और यार ये मेगा इवॉल्व भी हो सकता है, तुम देख सकते हो शाइनी मेगा इवॉल्व गेंगार कितना ज्यादा नेक्स्ट लेवल लगता है यार, बहुत ही खतरनाक। और इसका जो गेंगार था ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी था। नंबर 11 किमिया, ये कालोसीजन की ट्रेनर है, और इसको भी हमको वोल्केनियन एंड द मैकेनिकल मार्वल वाली मूवी के अंदर ही दिखाया गया था। इसके पास यार हमको शाइनी गार्डेबॉर दिखाया गया था, जो कि तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर दिखता है। ये सबसे पहली बार था जब हमने शाइनी गार्डेबॉर को देखा था एनिमे के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है इसका कलर वगैरह। यहाँ तक कि इसका भी जो गार्डेबॉर है ये भी मेगा इवॉल्व हो सकता है, तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा सही लग रहा है शाइनी मेगा गार्डेबॉर, बहुत ही गजब। नंबर 12 पे आता है गो, ये ऐश के साथ पोकेमॉन जर्नीज में ट्रैवल किया करता था, और इसका एम था सारे पोकेमॉन्स को कैच करना, इसीलिए इसने बहुत पोकेमॉन्स पकड़े थे, और इसने ऐश से भी इजी तरीके से यार शाइनी को कैच कर लिया था। इसके पास है शाइनी वोल्टोर, जिसको बस नॉर्मली पोकेबॉल फेंक के एकदम उसने पकड़ लिया, और ना ही इसको ढूंढने की जरूरत पड़ी, ऐसे ही गो को रास्ते पे मिल गया और उसने पकड़ लिया। तो हाँ मतलब ये ऐश से भी ज़्यादा लक्की है भाई, बहुत ईजिली इसने पकड़ लिया था। नंबर 13 पे आता है होरासियो, ये अलोराइजन का एक ट्रेनर है, और यार इसके पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन था, और वो है एक शाइनी पोकेमॉन, एक शाइनी विका वोल्ट। इसका तुम देख सकते हो डिजाइन कलर वगैरह कितना सुंदर लगता है यार, ये भी काफी बढ़िया लग रहा है। इसको यार पोकेमॉन की रेस वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो इसका विका वोल्ट वही करता था रेसिंग वगैरह, और तुम देख सकते हो यार इसके पास भी एक बहुत सही शाइनी है। नंबर 14 पे आती है एसेरोला, ये अलोराइजन की एक ट्रेनर है, और इसके पास भी एक शाइनी पोकेमॉन है, वो है इसका शाइनी मिमिक्यू। इसका मिमिक्यू कुछ ज़्यादा ही खास था, एक तो यही चीज़ है कि वो एक शाइनी मिमिक्यू था, ऊपर से वो मरा हुआ था। हाँ भाई इसका जो मिमिक्यू है वो एक्चुअली ऑलरेडी पहले से ही मरा हुआ था, तो मतलब यार ये कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक सा ही पोकेमॉन आया था भाई कह सकते हैं। नंबर 15 पे आती है पिकाला, ये अलोराइजन की एक ट्रेनर है, और इसके पास भी एक शाइनी पोकेमॉन था। बेसिकली इसके पास ना बहुत सारे पिकाचू थे, उन्हीं सब पिकाचू में बहुत सारे अलग अलग थे, और ऐसे ही एक था शाइनी पिकाचू। तुम देख सकते हो ये वाला जो है यार ये शाइनी वाला है, और इसके बाल देखो कितने ज़्यादा सही लग रहे हैं, और ये एक्चुअली इन सारे पिकाचू का लीडर भी था, ये इन सबसे डिफरेंट था क्योंकि इसका कलर सबसे अलग था, ये शाइनी था। नंबर 16 लिली, ये ऐश की अलोरा के अंदर एक दोस्त थी, और इसके पास भी एक शाइनी पोकेमॉन था, जो कि है इसका शाइनी मगेरना, जो कि एक मिथिकल पोकेमॉन भी है यार देखा जाए तो। और हाँ काफी लोगों को लगता है ये कालोस का पोकेमॉन है क्योंकि कालोस की मूवी में आया था, बट ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल अलोरा का पोकेमॉन माना जाता है, उसी रीजन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं रीजन वाइज पोकेडेक्स के हिसाब से, बाकी दिखाया इसको कालोस की मूवी में था। तो हाँ लिली का जो यार मगेरना है वो एक शाइनी है, तुमको कलर वगैरह से ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है दोनों का कलर, बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन हाँ ये शाइनी है मिलीली वाला। नंबर 17 पे आता है शेन सीकर, इसको पोकेमॉन जर्नीज के अंदर हमको दिखाया गया था, और यार इसको शाइनी पोकेमॉन कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक था। इसके पास जितने भी पोकेमॉन थे ना सारे के सारे शाइनी थे, और सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट किया गया था वो था इसका शाइनी साइडक, जो कि देख सकते हो कितना ज़्यादा गजब सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा भी इसके पोकेडेक्स में हमने बहुत सारे अलग अलग शाइनी पोकेमॉन देखे थे। नंबर 18 पे आता है ग्लैडियन, ये ऐश का अलोला के अंदर एक राइवल था, और इसकी राइवलरी बहुत सही रही थी जब फाइनली अलोला में आके हारा था ऐश से लीग के अंदर। अब इसके पास भी एक शाइनी पोकेमॉन हमको जर्नीज के अंदर दिखाया गया था, जो कि एक अल्ट्रा बीस नाइलिगो, ये एक शाइनी है हमको साफ साफ दिखाया गया था एनिमे के अंदर, और यार ये भी इसका बहुत ज़्यादा सही पोकेमॉन था। नंबर 19 पे आता है जोटो एजन का एक अननोन बुढ़ऊ, इसका नाम वगैरह कुछ रिवील किया नहीं गया था, इसको हम एक बुढ़ा ही बुलाने वाले हैं। तो इसके पास था एक शाइनी शक्ल, यार मतलब बहुत ही ज़्यादा सही लगता है ये भी देखा जाए तो नॉर्मल शक्ल के मुकाबले, और इसके पास एक टेक्निक भी थी स्पेशल जूस बनाने की। और फाइनली नंबर 20 पे आता है जिमी, यार ये मतलब ना अलग ही पागल ट्रेनर था, इसको हमको होएन के एपिसोड में दिखाया गया था, जहाँ पे इसके पास था एक शाइनी मैजिक कार्प, और वो एक बुड्ढे के साथ में इसको ट्रेड कर लेता है 4 मिलियन के बदले, मतलब इसको पता ही नहीं भाई मैजिक कार्प ये भले लेकिन है वो शाइनी तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रेयर है, लेकिन फिर भी ये ट्रेड कर देता है, जबकि आगे जाके इसका ये शाइनी गैराडोस बन सकता था। तो हाँ इसके पास भी शाइनी पोकेमॉन था लेकिन इसने ट्रेड कर दिया। वेल यही थी हमारी आज की वीडियो, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, और पिछली वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो यहाँ पे एंड स्क्रीन से देख लो। मिलूंगा ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बाय बाय।